जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में हम पढ़ेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपके एग्ज़ाम में चाहे किसी भी प्रकार का आप कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हो, उनमें एग्ज़ाम में ये प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। एथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन। एपीकल्चर, एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालना। एस्ट्रोनॉमी, आकाशीय पिंडों का अध्ययन करता है। एरोनोटिक्स, वायुयान उड़ान का अध्ययन। कार्डियोलॉजी, हृदय का अध्ययन। कार्योनिजिक्स, अत्यधिक कह सकते हैं निम्न तापक्रम की उपयोगिता का अध्ययन करना। जेनेटिक्स, अनुवांशिकता का अध्ययन करना। साइटोलॉजी, कोशिकाओं का अध्ययन। जेराटोलॉजी, वृद्धावस्था का अध्ययन। माइकोलॉजी, मांसपेशियों का अध्ययन। न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। फिजियोलॉजी, जीवों के विभिन्न भागों तथा उनके कार्यों का अध्ययन। ऑब्स्टेट्रिक्स, गर्भावस्था में प्रयुक्त दवाओं का अध्ययन। पिसीकल्चर, विभिन्न प्रकार की मछलियों का अध्ययन। टेक्सोनॉमी, जीवों के वर्गीकरण का विज्ञान। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर पुष्प का हो गया, ये आपको पता है। इवोल्यूशन, पृथ्वी पर जीवन उत्पत्ति का अध्ययन। पेडोलॉजी, मृदा संगठन का अध्ययन। पैथोलॉजी, रोगाणुओं का अध्ययन। तो इस तरह हमने विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में पढ़ा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ध्यान से, एपीकल्चर के बारे में मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं, मधुमक्खी पालना, एथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन, जेनेटिक्स अनुवांशिकता का अध्ययन, साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन। इस तरह इस जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मैक्सिमम प्रश्न, तो अच्छी प्रकार से रीड कीजिएगा। आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो आपके लिए सहायक हो सकती है। और ध्यान रहे, हम आपके लिए अति आवश्यक वीडियो ही डालते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो धन्यवाद, थैंक यू।